नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। भाजपा के राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने मुनव्वर राणा सहित भारत के खिलाफ खड़े होने वाले को दिया खुली धमकी। उत्तर प्रदेश के बलिया में योगी सरकार में संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने मुनव्वर राणा सहित भारत के खिलाफ खड़े होने वालों को दिया खुली धमकी। कहा, मुनव्वर राणा और उसके परिवार के लोगों के बयान हम लोगों सुने हैं, ऐसे लोग एनकाउंटर से मारे जाएंगे, चाहे वह कोई भी हो जो भारतीयों के खिलाफ खड़े होगा। यही नहीं, मंत्री जी ने सतीश मिश्रा के अयोध्या में दर्शन पूजन पर भी उठाया सवाल। कहा, काशीराम जी ने कहा था कि अयोध्या के मंदिर की जगह शौचालय बनवा देना चाहिए, पहले मायावती जी को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, फिर अपने लोगों को दर्शन के लिए अयोध्या भेजना चाहिए। पेश है बलिया से नवल जी के साथ अखिलेश सैनी की एक खास रिपोर्ट। मुझे ये कहना है कि सबसे पहले मायावती जी को, जो उनके सर्वे सर्वा थे कांशीराम जी ने, जिन्होंने कहा था कि अयोध्या में मंदिर की जगह शौचालय बनवा देना चाहिए, पहले मायावती को उसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए और तब अयोध्या में अपने लोगों को दर्शन करने के लिए भेजना चाहिए। अभी मायावती ने का सीधा सा स्टैंड है, उनका ये कहना है कि ब्राह्मण और दलित के साथ वो चुनाव किया है कि 1947 में जो मुसलमान साजिश के तहत भारत में रुके थे कि भारत को फिर बांटेंगे और टुकड़े करेंगे, उन्हीं में से मुनव्वर राणा भी एक है। मुनव्वर राणा को, उनके परिवार के लोगों के हम लोगों ने हमेशा बयान देखे हैं और निश्चित रूप से इनकाउंटर में वो लोग मारे जाएंगे जो भारतीयों के खिलाफ खड़े होंगे, चाहे वो जो हों। और जो यह बात कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ेगा, निश्चित रूप से समय आ गया है उन सारे लोगों के लिए जो इस साजिश में थे कि भारत को फिर से बांट देंगे, लेकिन जब से 2014 में मोदी जी की सरकार देश में आई है और 2017 में जब से माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं।